मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 370, वो वजह जिसने पिछले 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग थलग कर रखा था, मोदी सरकार का इसे हटाए जाने का फैसला एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम था। लेकिन बजाय इसके कि इसे सरकार पहले लोकसभा से पारित कराती जहां उसका भारी बहुमत है, गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी बिल पहले राज्यसभा में पेश किया। Article 370, the J&K Reorganisation Bill, that is also historic in many ways. And also the Rajya Sabha played a very key role in terms of deliberating, discussing and coming to a conclusion on that. अनुच्छेद 370 से संबंधित बिल को पहले उच्च सदन में पेश कर सरकार ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रहित उसके लिए सर्वोपरि है। सरकार चाहती थी कि इस बिल पर सार्थक और गंभीर बहस हो, न कि उसकी मंशा बहुमत के आंकड़ों के आधार पर सिर्फ इसे पारित करा लेना था। जम्मू कश्मीर जो दुनिया में माना जाता था, इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और आपको उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाकर, जम्मू के मेरे भाई इनसे मैं कहूंगा यूपी में हो आप। Now that this 373 is withdrawn, the 35 years is gone, anyone can go there and it's a paradise on earth and all the multinational companies would come there. Again, sir, it would become not ours, sir. So that is the people's feeling there. So what we say is, if at all you take a decision which you could justify, you should have taken it only with the consent of the state legislator after it has come into existence. कश्मीर को लेकर के जो दो विधान के विषय थे, उन विषयों को समाप्त किया गया और इसलिए 370 का जो टेम्परेरी प्रोविजन था वो उस तत्कालिक समय में था। ये एक ऐतिहासिक विषय था जिसको पूरा करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, जिसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। So now the central government rightly brings these two resolutions and also the two enactments. So the J&K government, Amma's government and J&K party support the two resolutions and support the reorganization bill and also the reservation bill. I support this resolution. My party, the Bijan Janata, support this resolution. We are a regional party, but for us, nation is first. The integrity, safety and security of India is first. जिसने विरोध किया है वो वही लोग है जिसने 70 साल तक जम्मू कश्मीर की जनता का शोषण किया। Hats off to the Home Minister, Honorable Home Minister and the Prime Minister for their vision. And this will completely solve the problem of Kashmir. संसद के उच्च सदन में अनुच्छेद 370 के हर पहलुओं पर संजीदगी से चर्चा हुई। सदस्यों ने अपने अपने नजरिए से सदन को अवगत कराया, फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल को पारित कराया। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। मोशन मूव दैट द बिल बी पास। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास। Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. जम्मू कश्मीर बिल फिर लोकसभा में पेश हुआ। यहां भी पास होने से पहले उच्च सदन की तरह इस पर गंभीर और सार्थक चर्चा हुई। लेकिन सर, आज मैं अपने से एक सवाल पूछता हूं सर, और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है सर। और सर, मैं विजय गोयल की तरह तो मैंने
चांदनी चौक में काम नहीं किया सर, पटना की सब्जी बाकी महिलाएं मुझसे मिलती थी, बाकी देखा है सर। लेकिन इस मामले को टेकअप करने के बाद सर, बहुत सी खवातीनें मुझसे मिली हैं सर, और उनकी पीड़ा और दर्द को मैंने समझा है सर। सर मैं दो उदाहरण दूंगा। एक डेलीगेशन मेरे पास आया था सर, नाम देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा माननीय कानून मंत्री जी, आप जो कानून लेके आ रहे हैं तो हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में लोकसभा से पास होने के बावजूद 3 तलाक बिल को राज्यसभा की स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। फिर लोकसभा भंग होने के बाद ये बिल लैप्स हो गया। 2019 में फिर से सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने आंकड़ों की परवाह किए बिना ये तय किया कि 3 तलाक पहले राज्यसभा से पारित हो, और एक बार फिर उच्च सदन ने व्यक्तिगत विचारधाराओं से ऊपर उठते हुए बड़ी ही सार्थक बहस के बाद इस सुधारवादी बिल पर अपनी मुहर लगा दी। You see, those were very historic bills, especially the triple talaq bill that came in. That was extremely important with the reference of empowerment of women, and that has been brought forward. And Rajya Sabha obviously was a very crucial point at which it was passed. Rajya Sabha के लिए साल 2019 कई मायने में महत्वपूर्ण रहा। ये साल ऐसा रहा जब सदन की कार्यवाही कम से कम बाधित हुई और कामकाज जमकर हुआ। With great pleasure, I have a turnaround story to report to you all and to you through the people of the country who have been patiently waiting for such a turnaround in the form of functional house breaking from the disruptive past. लोकसभा चुनावों के बाद शुरू हुए राज्यसभा के 249वें सत्र ने कामकाज की उत्पादकता के पैमाने पर कई नई लकीरें खींची और साथ ही नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। When the chairman of the house, speaker of the house is able to interact frequently with members, convince them and maintain close relationship, close rapport with all the members so that no member feels alienated from the leadership or from running of the house. So I believe that in the last 6 months, there has been such an effort by the chairman, by the speaker, by other leaders to interact more with MPs, more with the backbenchers as they are called, who participate less, or more with MPs who have urgent issues, and therefore naturally there will be less disturbances. And I think it's a very good thing for Indian democracy that we are now becoming mature so that the house is never adjourned or adjourned very rarely. संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने 244वें सत्र से लेकर 248वें यानी कुल 5 सत्रों में 33 बिल पारित किए। 248वें सत्र में काम की उत्पादकता तो मात्र 7.44% रही। ऐसे में सभापति ने सदस्यों और पार्टियों से अपील की थी कि वो सदन की अहमियत समझते हुए काम करने के तरीके में बदलाव लाएं। In terms of legislative output, the passage of 32 bills during these 35 sittings, this session is the best in the last 17 years, accounting to 52 sessions. 35 bills were passed during the 197th session in 2002. The best performance in this regard in the last 41 years since 1978, for session-wide data is available, was 37 bills passed during 130th first session in 1984. This session is also the 5th best in regard to in the last 41 years. The turnaround during this session also came out clearly and viewed against the passage of a total of only 33 bills during the last 5 sessions, 244 to 248 put together. सभापति के मार्गदर्शन और अपील का बेहद सकारात्मक असर दिखा। कामकाज की उत्पादकता के पैमाने पर राज्यसभा का 249वां सत्र इसके ठीक पहले के 248वें सत्र की अपेक्षा उलट रहा। 249वें सत्र के दौरान 32 बिल पारित किए गए। राज्यसभा ने इस सत्र में या पिछले वर्ष के जो सत्र थे उनमें पूरी तरीके से बड़ी गंभीरता से विभिन्न मुद्दों पर जो है डिस्कशन भी किया है। कई कानून जो बहुत अहम कानून थे वो सभा के समक्ष आए और लोगों ने बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद उन कानूनों को पास करने का काम किया।
नियत समय में कामकाज की उत्पादकता की बात करें तो 249वें सत्र में ये 104.92% रही। पिछले 5 वर्षों में पहली बार 100%। ये सत्र पिछले 41 सालों में 5वां सबसे बेहतर सत्र रहा। I have to say that this short but important budget session of the Rajya Sabha turned out to be another wasted opportunity. This only reinforces the dysfunctional pattern that has been evident for the last few years in which a matter of serious concern and it will be a big challenge to the democracy. It's time for all sections of the House to evolve a collective consciousness to enable effective functioning of the House, further to deep introspection to prevent any further damage to the standing of this august House, which is also known as the House of Elders. Elders are usually expected to show the way to others. This was the earnest hope with which I began this session. The optimist tells me, even now, not to lose the hope and instead wait for a turnaround. I only hope that this would sooner than later will happen. Parliamentary democracy is all about ensuring governance through accountability to the people. 250वें सत्र में भी सभापति की अपील का असर कायम रहा, जिसके चलते 249वें सत्र की तरह ही 250वें सत्र में कामकाज को लेकर गति और उत्साह बना रहा। I am glad that collectively all of you have risen to the occasion broadly and kept up the happy tide. I would like to sum up the course of this historic session as one marked by seriousness and brevity. The seriousness is born out of definite sense of purpose of enhancing the dignity of this august institution. Brevity has manifested itself in adhering to the time limits, resulting in more number of tarred questions orally answered and zero hour and special mentions made, besides more number of members intervening in debates during this session. उच्च सदन ने 250वें सत्र में 99% से भी अधिक उत्पादकता दर्ज की। सदस्यों ने अपने सवाल संगतपूर्ण और छोटे रखे और जवाब भी लंबे नहीं रहे। इसके लिए सभापति ने सभी सदस्यों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। With the last session recorded productivity of 104% by availing more than the available time for transacting the business, this session too clocked almost around 100% productivity. This is perhaps for the first time that this house recorded 100% productivity for 2 successive sessions. For me, this is a certain proof of this shift being studied, and all of you deserve credit for the same. The Honorable Chairman Sri Venkaiah Naidu ji, Honorable Vice President of India, the leadership that he has shown in terms of actually working with the members, engaging with them, encouraging them, communicating with them. And personally, I have always been very enthused by his leadership. Apart from that, the very proactive support of both the ruling and the opposition parties, whether it's the BJP, the Congress, and the regional parties like the Biju Janata Dal, like us, I believe all of them have engaged in terms of a proactive thinking of bringing about change and bringing in legislations which matters. And there has been a collective effort which has seen that the Rajya Sabha doing so well. Therefore, this is extraordinary, and I don't think in the last 20-30 years there has been such a high level of participation and productivity. Therefore, it's something which the Parliament, Rajya Sabha, definitely should be proud of. And, you know, definitely a lot of credit goes to the Vice President, who has been steering this in a very disciplined way with his experience. So we must definitely congratulate the Vice President and the Deputy Chairman for having done this. साल 2019 के दौरान राज्यसभा ने 50 से भी अधिक बिल पारित किए। इनमें से प्रमुख रहे आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक 2019, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक 2019, मोटर वाहन संशोधन विधेयक, मजदूरी संहिता विधेयक 2019, जम्मू और कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध विधेयक 2019, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता विधेयक 2019, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक
2019. This seems to have been an extraordinarily productive and important session. The government had introduced the Citizens Amendment Bill. The government had also introduced the bill for change of the SPD, bringing in new laws and new policies. At the same time, also the government has touched the economy by reducing corporate tax in a very big way. So you can say, as compared to many past sessions, there has been path-breaking legislations which have been introduced and passed in both the houses and become law. Therefore, this has been a very productive and critical session. 6 दिसंबर का दिन भी राज्यसभा के लिए अनूठा रहा, जब बीजू जनता दल की सांसद सरोजनी हेम्ब्रम ने शून्यकाल के दौरान अपना सवाल संथाली भाषा में पूछा। सदन में पहली बार संथाली भाषा का इस्तेमाल हुआ। संथाली ओडिशा के जनजातीय इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। सर, आज मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो मैं संथाली भाषा में पहली बार इस उच्च सदन में बोलने जा रही हूँ। ओडिशा स्टेट में 62 टाइप के ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, उनमें से संथाली एक कम्युनिटी है। मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ, संथाली मेरी मातृभाषा है और ओलची की हमारी स्क्रिप्ट है। मानतन परसद गोंके संथाली परसी आड़ते रोड रेना दाव पे एम अका दिनते अड़ी अड़ी के सारहाव मलाय पार्षद गोंके संथाली सांतारिनी ओलची की सिर्जन दाता पंडित रघुनाथ मुर्मू तिकिन भारत रत्न मनते मन व्यवहार केन लगी सरकार ठेनिंग नेहरत किया। मनोतन मेंबर अमक गाग परसी संतारी तेरार लगित अमक सराहो, पहली बार उन्होंने संतारी में बोला। Members, I would like to inform you that Santali has been spoken today for the first time on the floor of the Rajya Sabha. You would all, that too by a lady member. You would also be glad to know that the interpretation from Santali to Hindi was done under the new scheme by an empaneled consultant for Santali, who is not a regular employee of the secretariat, बट ए PhD स्टूडेंट। और इस समय पहली बार जैसे मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ, जैसे कई अन्य जो उपभाषाएं हैं, जैसे मराठी की अहिराणी उपभाषा है, तो ऐसी जो उपभाषाएं हैं उनको भी यहां पर महत्व मिले और लोग अपनी मातृभाषा में बोले, इस पर माननीय अध्यक्ष जी का पूरा प्रयास है। और वैसे भी हम मानते हैं कि स्वदेशी की संकल्पना में स्वभाषा और स्वभूषा दोनों का महत्व है, और उस दृष्टि से स्वभाषा में बात करने के लिए प्रोत्साहन की रचना अपने आप में बड़ा मायना रखती है। 250वें सत्र के आखिरी दिन सभापति ने सदन में मातृभाषा के बढ़ते इस्तेमाल पर अपनी खुशी जाहिर की। सभापति लंबे समय से मातृभाषा का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। ड्यूरिंग दिस सेशन a certain intent to speak more and more in mother tongues in the house has been evident. For the first time in the 67 years since inception of this august institutions, a member could speak in Santali, one of the 22 scheduled languages, with a simultaneous interpretation. I compliment you more for these facilities. Besides Hindi, members also spoke in other Indian languages like Sanskrit, Maithili, Tamil, Telugu, Kannada, Marathi and Bengali. I compliment all of you whoever has taken this initiative, and I urge upon other members also in the future try to speak more and more in your mother tongue and particularly the scheduled languages, so that there can be an arrangement for translation and our people, the constituents, they will be able to understand, appreciate better of your contribution in this august house. When we are speaking in our regional language, our people will understand what we have spoken. If we are speaking in other language, if somebody write or somebody translate only, they will understand. Communicating in regional language is better thing. Everywhere it is there in the world structure. If you look at any world history, all people are using only regional language, then other language. And especially Rajya Sabha is the council of states.
And members from all the states are here, as well as in the Lok Sabha also. So when a member speaks in his own mother tongue, in his region language, the people in that region would be able to follow what they are speaking about. Because most of the people who cannot follow English or Hindi, when the members speak in region language, that would be of very much help. And the parliament helps in all the ways. And we have got interpreters and they are very good at it. 2019 में उच्च सदन में कई नए पहल तो किए ही गए, साथ ही कई सुधार भी लाए गए। सभापति ने कई बार लोक महत्व और सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप कर अपने बहुमूल्य सुझाव रखे। I have considered the matter and decided to form an ad hoc committee with the same composition. Sri Jairam Ramesh will be the chairman of the ad hoc committee. The terms of reference of the ad hoc committee will be under the study the alarming issue of pornography and the social media and its effect on children and society as a whole. To hold comprehensive discussion on the subject with all the concerned. उच्च सदन ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण बहस की। उच्च सदन के लिए साल 2019 का समापन नागरिकता संशोधन विधेयक पर सार गर्भित चर्चाओं से हुआ। पक्ष और विपक्ष ने इस मुद्दे पर लंबी बहस की। कि ये बिल हम ये तीन देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर हुई है उनको शरण देकर उनके सारे पास्ट के जो कागज नहीं है सब चीजों को छोड़कर नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधारित हो और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे, हम ये तीन देशों की माइनॉरिटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरिटी को ले रहे हैं, एक क्लास को ले रहे हैं। मैं आशा रखता हूं आज गृह मंत्री जी इसके ऊपर पुनर वहां के लोगों को विश्वास दिलाएंगे इस हाउस के जोड़ी है और बाकी जो स्टेट के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है जैसे 371 पर ये लागू नहीं होगा, आईएलपी एरिया में वो लागू नहीं होगा, सिख सिदिल में वो लागू नहीं होगा और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हाउ डू यू ग्रुप थ्री कंट्रीज अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड लीव आउट द अदर नेबर्स टू How do you identify only six religious groups, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian, and leave out others like Ahmadiyyas, Hazaras, Rohingyas? We totally agree with you. There is a persecution. You must help them, take them, give them more relief. Nobody has an objection. But here you are dividing the migrants as such. What you are trying to do is, a migrant who is a Hindu has all the relief from you. If it is some Muslims, no. The deprived people, the oppressed people, and that is exactly what this bill is trying to propose to do. This is what we are trying to do. ये partition और उसमें केवल हिंदू और मुस्लिम का ही एक भेदभाव था, ये दृष्टिकोण रखना ये बहुत संकुचित होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। मैं मानता हूँ ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है। साल 2019 में राज्यसभा की कार्यवाही सभापति एम वेंकैया नायडू के प्रयासों के लिए जाना जाएगा। उनका जोर लगातार इस बात पर रहा कि सदन की कार्यवाही कम से कम बाधित हो, कामकाज की उत्पादकता 100% रहे और चर्चाओं का स्तर और बढ़े। साल के समापन के साथ ही सभापति ने 2020 का नया एजेंडा भी सदस्यों के सामने रखा। While this august house is turning out better performance as evident in the previous and this session, a concern about functioning of department related standing committees and other committees of the house has emerged. I held a meeting with the chairman of all these 20 committees on the 5th of this month to share my concern. I was told by some chairman that it was first of its kind. Subsequently, I have written to the leaders of all parties and groups in this house seeking to ensure quantitative and qualitative participation in the meetings of these committees, given the criticality of the role in the functioning of our parliamentary democracy. I once again reiterate my appeal to all of you to take the meetings of the standing committees and other committees more seriously. I hope things would improve there as well.